हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना के दूसरे चरण के तहत विभिन्न सिंचाई उप परियोजनाओं के निर्माण में गुणवत्ता कायम रखने की जरूरत को देखते हुए इंजीनियरिंग के फील्ड स्टाफ को प्रशिक्षण का कार्यक्रम इन दिनों जोर पकड़ रहा है। परियोजना के साथ अनुबंधित निजी कंपनी एईकॉम के इंजीनियर क्रमवार प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में तकनीकी स्टाफ को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसी सिलसिले में पिछले दिन परियोजना की ओर से पालमपुर स्थित आत्मा परियोजना के भवन परिसर में कांगड़ा जिला केडीपीएमयू के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए पीएमसी के डिजाइन इंजीनियर डॉक्टर एमआर शर्मा ने बताया कि सभी इंजीनियरिंग व तकनीकी स्टाफ को एमबी के संचालन व रखरखाव के बारे में विस्तृत समझाया गया। इन्हें बताया गया कि कैसे माप पुस्तिका यानी एमबी में मपाई का काम दर्ज करना है और कैसे इसे व्यवस्थित तरीके से कायम रखना है। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण कार्यशाला में निर्माण के दौरान गुणवत्ता स्थापित करने के लिए जरूरी बातों को भी समझाया गया। इसके तहत पाइप दबाते हुए क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं और पाइप की अपनी क्वालिटी पर चेक करना है, इस बारे में स्टाफ को अवगत करवाया गया। इस पर सीमेंट के बेहतर तरीके से प्रयोग पर भी कुछ बिंदुओं पर चर्चा की गई।